हेलो। तो देखिए, क्वेश्चन में अपने को ये कंपाउंड गिवन है और इसका रिएक्शन HBr के साथ किया जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका IIT 98 में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है OH। इसका रिएक्शन हम HBr के साथ कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, रिएक्शन होता कैसे है। फर्स्ट स्टेप में HBr जो है उसका हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, और अपने पास यहाँ पे H प्लस प्लस बी आर का फॉर्मेशन होता है। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे कौन? H प्लस। न्यूक्लियोफाइल है हमारा कौन? यहाँ पे बी आर। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब अपने को इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस तरह से कराना है कि अपना यहाँ पे जो कार्बो कैटायन बने वो तो मोर स्टेबल कार्बो बने। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूँ तो नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, और पॉजिटिव चार्ज इस बेंजाली कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, और ये नेगेटिव चार्ज करेगा अटैक प्रोटोन के ऊपर। तो अपने पास देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपने पास बन गया इधर CH3, CH, H यहाँ पे ऐड हो गया, H पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और एक बेंजीन रिंग, और इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर है अपने पास OH। बस अब तो अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब तो लास्ट स्टेप क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? बी आर नेगेटिव। तो बी आर नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तलाश है। पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज ने न्यूक्लियोफाइल ने इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करा, तो अपने पास बन जाएगा इधर CH3, CH2, CH, Br, एंड यहाँ पे पैरा पोजिशन के ऊपर OH। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैच करें ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन बन जाएगा अपने पास, देखिए सी और डी तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे बी आर का रिप्लेसमेंट कर दिया गया है किससे? OH था पहले अपने पास रिएक्टेंट में, यहाँ पे आपके पास बी आर कर दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है, और आपका जो बी आर है वो इस कार्बन पे ऐड होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास बी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। थैंक यू।